भारत की इस राजकुमारी के स्वदेश लौटने पर डरी रहती थी ब्रिटिश सरकार। हम आपको भारत की ऐसी राजकुमारी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। जी हाँ, सिख साम्राज्य के अंतिम शासक दिलीप सिंह की पहली पत्नी बम्बा मुलेर से जन्मी सोफिया दिलीप सिंह, जिन्होंने महिलाओं को वोट देने के अधिकार के लिए विरोध प्रदर्शन किया। अपने जीवन काल में सोफिया दिलीप सिंह 3 बार भारत आई, लेकिन तीनों ही बार ब्रिटिश सरकार ने उन पर अपनी पैनी नजर बनाई। ब्रिटिश सरकार को इस बात का डर था कि दिलीप सिंह की बेटी के भारत जाने से विद्रोह भड़क सकता है। आपको याद दिला दे कि पंजाब पर अंग्रेजी सरकार के कब्जा करने के बाद महाराजा रणजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र दिलीप सिंह को भारत से इंग्लैंड निर्वासित कर दिया गया और एक दंडनात्मक संधि के तहत उन्हें कोहिनूर हीरा भी अंग्रेजों को देना पड़ा। दिलीप सिंह ने पंजाब में अपना शासन अधिकार को प्राप्त करने का दोबारा प्रयास किया, लेकिन उन्हें 1886 में फ्रांस से निर्वासित कर दिया गया और उनका परिवार कर्ज में डूब गया। हालांकि महारानी विक्टोरिया के परिवार से घनिष्ठ संबंध के कारण उन्हें ब्रिटिश सरकार ने एक घर और सालाना भत्ता मिलता रहा। सोफिया दिलीप सिंह ने साल 1906 से 1907 में गोपाल कृष्ण गोखले और लाला लाजपत राय से मुलाकात की थी। इतना ही नहीं, साल 1907 में सोफिया ने भारत में 6 महीने बिताए थे और भारत में व्याप्त राजनीति आशंका को बिल्कुल करीब से देखा था। वर्ष 1908 में सोफिया दिलीप सिंह ने ब्रिटेन में महिलाओं के मताधिकार के लिए आवाज उठाने वाले संगठन WSPU में सक्रिय भागीदारी की तथा महिलाओं की टैक्स विरोधी लीग में भी शिरकत की थी। इस टैक्स विरोधी लीग का नारा था नो वोट नो टैक्स। सोफिया दिलीप सिंह साल 1911 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री की कार के आगे एक बैनर लेकर खड़ी हुई जिस पर लिखा था महिलाओं को वोट का अधिकार दो। सोफिया दिलीप सिंह को ब्रिटिश सरकार ने कई बार गिरफ्तार किया, लेकिन अन्य प्रदर्शनकारियों के मुकाबले उन्हें हमेशा आरोप मुक्त कर दिया जाता। आखिरकार वह दिन आ ही गया जब सन 1918 में ब्रिटिश सांसद ने 30 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को संपत्ति से जुड़े कुछ योग्यताएं पूरी करने पर वोट देने का अधिकार दिया। साल 1919 में सोफिया दिलीप सिंह भारत की राजनीतिक कार्यकर्ताओं सरोजनी नायडू और एनी बेसिन के साथ लंदन में भारत के दफ्तर भी गई। इस तरह की और अपडेट्स के लिए कृपया एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नई वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए घंटी आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। पंजाब के अंतिम शासक दिलीप सिंह के साथ ब्रिटिश सरकार ने बहुत अन्याय किया। कॉमेंट करें।